हलवाई मलकापुर देहात में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। रामू शहर में जलेबियाँ बनाता और शाम में समोसे तलता। वो जलेबी और समोसे के साथ साथ मिठाइयाँ भी फरोख्त करता था। और दोपहर में स्कूल से लौटते वक्त उसका बेटा गोलू और उसकी बेटी मीनू दुकान पर आ जाया करते थे। बाबा जान, आज गोलू के सर पर कौए ने पैखाना कर दिया। बाबा जान, आज उस्तानी जी ने मीनू की गेसू पकड़कर खूब पिटाई की, खूब पिटाई लगाई। ये दर्शगाह में पीछे बैठकर अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर फैशन शो देख रही थी। बाबा जान, ये झूठ बोल रहा है। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, घर जाओ और अपनी अम्मी से कहना कि रसगुल्ले की शीरा बना के तैयार रखें। शाम में जब रामू घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी पलंग पर बेहाल पड़ी है और बच्चे उसके तीमारदारी में लगे हैं। क्या हुआ, अभी तक शीरा तैयार नहीं क्या? या अल्लाह, अरे सेठ जी के यहाँ से 5 किलो के रसगुल्लों का ऑर्डर ले लिया है। इतनी तपिश में मैं बेहाल हो रही हूँ। आपसे गुज़िश्ता दिनों से कह रही हूँ, एक कूलर ले आइए। बिना कूलर दुश्वार है काम करना। रामू को मजबूरी में एक कूलर खरीद के लाना पड़ा। मैं कूलर के सामने सोऊंगा। तेरी जांघिया उड़ जाएगी, तू रहने दे, मैं कूलर के सामने सोऊंगी। अब रामू की बीवी कूलर के सामने मुतमईन होकर शीरा बनाती और मिठाइयों का हर काम अमल तक पहुंचाती। एक दिन पड़ोस वाली पिंकी रामू के घर तशरीफ लाती है। भाभी जी, घर पर ससुराल से थोड़े मेहमान आ गए हैं। हमारे यहाँ शक्कर खत्म हो गई है, आप थोड़ी सी शक्कर दे दीजिए, कल शब में आपको वापस कर देंगे। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ, आप तशरीफ रखें। पिंकी को रामू के घर नया कूलर देखकर बेलौस हसद होती है। हम अपने यहाँ तपिश में मरे जा रहे हैं और यहाँ हुस्न की मलिका कूलर में बैठी रहती हैं। तभी रामू की बीवी शक्कर लेकर आती है। लो पिंकी, शक्कर, और मेहमानों को अच्छी से चाय पिलाना। शब में जब मेहमान घर से चले जाते हैं तो पिंकी अपनी सास से गुफ्तगू करती है। अम्मी जान, रामू के घर में कूलर आ गया है। जेरे नजर देहात में किसी के घर कूलर नहीं है। ये रामू तो कभी हमारे घर में खादिम हुआ करता था, अब तो खूब दौलत आ रही है मिठाई फरोख्त करके। एक तरकीब है, जब कल तू शक्कर वापस करने जाना तो शक्कर में मच्छर मारने वाला स्प्रे शराबोर कर देना। दूसरे दिन पिंकी चीनी में मच्छर मारने वाला बेअंतहा स्प्रे शराबोर कर देती है और रामू के घर शक्कर वापस देने जाती है। लीजिए भाभी जी, आपकी शक्कर। रामू की बीवी उस शक्कर का इस्तेमाल जलेबी के शीरे में करती है। दूसरे दिन हमेशा की तरह रामू की दुकान पर जलेबी खरीदने वालों का हुजूम लग जाता है और लोग खूब लुफ्त लेकर जलेबियां खाते हैं। जलेबियां खाते ही लोगों की तबीयत नासाज होने लगती है, उन्हें उल्टी और पैखाने शुरू हो जाते हैं। रामू, तुमने जलेबियों में क्या मिला दिया? इसने हमें जान से मारने की कोशिश की, मारो इसे। लोग रामू की खूब पिटाई करते हैं, उसकी दुकान तहस नहस कर देते हैं और मिठाई वगैरह सब फेंक देते हैं। रामू को दवा खाने में दाखिल करना पड़ता है। तुम्हारे शोहर के रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इन्हें बेहतर होने में काफी वक्त लगेगा। रामू का सारा कारोबार बर्बाद हो चुका था। रामू की बीवी को घर का खर्च भी चलाना दुश्वार हो गया था। गोलू और मीनू की पढ़ाई भी छूट गई थी। मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ, ये मुझे अपनी पैंट में मिला है। इधर लाओ ये रकम, सब्जी आएगी इसकी, आइसक्रीम नहीं। मैं नहीं दूंगा। देगा कैसे नहीं? गोलू की माँ गोलू को पकड़ने दौड़ती है। गोलू भागता है और आगे गिर जाता है और 10 का नोट उड़कर कूलर के पीछे से कूलर के अंदर चला जाता है। कूलर के आगे से हजारों नोटों की बारिश हो जाती है। ये कैसे हुआ? मीनू अपने पर्स से 100 का नोट निकाल कर लाती है और कूलर में डाल देती है। आगे से हवा के साथ हजारों 100 के नोट निकल आते हैं। लगता है ये तिलिस्मी कूलर है,
जिसके पीछे से एक नोट डालो तो हजारों नोट निकलते हैं। फिलिस ने कूलर से 1 लाख रकम जमा कर ली थी। ये लोग रामू को दिल्ली के एक बड़े दवाखाने में दाखिल कराते हैं। रामू माशाल्लाह से चंद दिनों में ही सलामत घर लौट आता है। हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। खुदा का शुक्र है हमारे पास तिलिस्मी कूलर है, लेकिन मैं फिर भी हलवाई की दुकान दोबारा खोलूंगा और मेहनत मशक्कत से पैसे कमाऊंगा। तिलिस्मी कूलर की बात पिंकी और उसकी सास को पता चल जाती है। अगर वो कूलर हम चुरा लें तो मजा ही आ जाएगा। एक शब जब रामू के सारे परिवार के लोग सो रहे थे तो पिंकी और उसकी सास खामोशी से रामू के घर में दाखिल होते हैं। बहू जल्दी से इसमें पैसे डाल, फिर हम एक ही शब में दौलतमंद बन जाएंगे। पिंकी कूलर में एक साथ कई रकम डालती है और यकायक कूलर से गर्म हवा निकलती है। पिंकी और उसकी सास के चेहरे झुलस जाते हैं। लगता है कल मुही तूने कोई गड़बड़ कर दी, फिर से डाल पैसे। पिंकी दोबारा कूलर में पैसे डाल देती है। कूलर से सदा आती है, मैं लालच खोर लोगों की मदद नहीं करता। तुमने अपनी लालच को अमल करने के लिए मेरा नाजायज इस्तेमाल किया, अब अंजाम के लिए तैयार रहो। कूलर से एक साथ कई तीर निकलते हैं। भागो! पिंकी और उसकी सास भागते हैं, वो तीर उनकी पुश्त पर आकर लग जाते हैं। पिंकी परेशान होकर रामू के घर कूलर वापस दे आती है। माफ कर दीजिए भाभी जी, हमने आपका तिलिस्मी कूलर चुराया और गुनाह की सजा भी हमें मिल गई। तभी तो कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। चारुलता के बड़े फर्जंद की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसने अपने छोटे फर्जंद अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवरानी बनकर उसके घर आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत खुदगर्ज थी। वो अपनी देवरानी के आसान मिजाज का फायदा उठाकर उसे सारे काम करवाने लगी और खुद मुख्तारी करने लगी। गुंजन, मेरी दोस्त बहुत अलील हालत में है, मैं उसकी तीमारदारी के लिए जा रही हूँ, सारा काम खैर से कर लूँगा। ठीक है भाभी जान, आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम खैर से कर लूँगी। मंजुला घर में अजद बनाकर सहेलियों के पास जाने लगी, जहाँ पर अपनी दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेलती। ये रही मेरी 200 की शर्त, अरे वाह मैं जीत गई। अरे वाह मंजुला, आज तो तू सारी बाजी जीत गई, तू तो माहिर खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज मंजुला के ताश खेलने से मंजुला को ताश की लत लग गई थी और वो घर पर अपने शौहर की जेब से पैसे चुरा कर ताश खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन खामोशी से तन्हा घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो सिर्फ तुम ही करती दिखती हो, अब मंजुला नजर नहीं आती। अम्मी, भाभी जान रोज रूहानी गुफ्तगू में जाती हैं। आहिस्ते आहिस्ते मंजुला ताश में पैसे हारने लगी। ओह, मैं फिर से हार गई। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं यकीनन जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5,000 कर्ज हो चुके हैं, जब तक तू कर्ज अदा नहीं करेगी तब तक हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ, हरगिज नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला मुसीबत ज़दा हो गई। जब तक वो कर्ज अदा नहीं करेगी तब तक कोई उसके साथ नहीं खेलेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं माँ जी की ये चेन चुरा लूं, तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10 से 15 ताश की बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीत कर ये सोने की चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है। उसी शब चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले की चेन उतार ली और दूसरे दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई।
गुंजन, अगर अम्मी जान पूछे तो कहना मैं रूहानी गुफ्तगू में गई हूँ। मंजुला ने सास की सोने की चेन सहेलियों के पास गिरवी रखकर फिर से ताश खेलना शुरू किया और बहुत इंतहाई शर्त खेलने के बाद भी वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। ए खुदा, मैं ये सोने की चेन भी हार गई, अब मैं क्या करूँ? मंजुला, अब ये सोने की चेन मेरी हो गई और तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला कश्मकश में पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता ने अपने गले की सोने की चेन गायब देखी तो उसने सबको इत्तला कर दी और जारों कतार अश्क बहाने लगी। आ, मेरी सोने की चेन कहाँ गुम हो गई? कल तक तो मेरे गले में थी। अम्मी जान, चेन मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। इधर मंजुला की ताश खेलने की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाएं, तो मैं फिर से ताश खेल सकूंगी। मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मंसूबा बनाया। तिजोरी की चाबी मौजी ने गुंजन को दी है, अगर मैं वो चाबी चुरा कर पैसे निकाल लूं, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने शब में गुंजन के कमरे से चाबी चुरा कर उसमें से पैसे चुरा लिए, लेकिन इस बार गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी जान, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही हैं? उसी वक्त चारुलता आ गई। सास को सामने देख मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए अम्मी जान, आपकी छोटी बहू चोर है, वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी, अलबत्ता सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत रश आया और उन्होंने गुंजन को अपने वालिदैन के घर रवाना किया। तकलीफ ज़दा गुंजन बिना कुछ कहे चली गई। चंद अरसे बीत गए, लेकिन मंजुला की ताश खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी? अपनी लत के लिए बेबस होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला चुपके से उसके सोने के जेवरात लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार तक कंगन लाई है, माहिर खिलाड़ी। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने जैसे ही पहली बाजी में जेवर दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहां आ गए। अम्मी जान, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को गवाहों के मद्देनजर पकड़ लिया और उसकी ताश खेलने की लत को सबके सामने बयां किया। मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तब मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी जान, आपने रूहानी गुफ्तगू के नाम पर फरेब किया और घर में चोरी करके सबको तकलीफ दी है। तुम्हारे ताश की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गंवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के जेवर थे, अब मेरे बाकी जेवरात पर छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, आज के बाद मैं ऐसा कतई नहीं करूँगी। हर ताश खेलने वाले को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार ताश की लत लग जाए तो गारत कर देती है। किसी भी शय की लत या नशा इंसान को तबाह ही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए।